नौ वर्षों में पूरी दुनिया ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत जो आज समग्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है और नित नई बुलंदियों को छू रहा है। G20 के सफलतम और अभूतपूर्व समिट के उपरांत इस कालखंड में चंद्रयान के चंद्रमा पे सफलतम लैंडिंग की कार्रवाई आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारत की आधी आबादी के लिए मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जिस एक महत्वपूर्ण कदम को उठाने के उपरांत संसद में पारित करवाने के उपरांत आज आपका अपनी ही काशी में बाबा विश्वनाथ की इस अविनाशी काशी में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से, काशी की मातृशक्ति की ओर से मैं आपका अपनी ही काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, आपके नेतृत्व में 2014 के उपरांत महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम आगे बढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में बेटियों और माताओं को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें स्थान प्राप्त हो सके, और अब तो आपने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, देश की संसद में और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी एक तिहाई से अधिक बहनें चुन करके जाएंगी जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर आज आपका आगमन काशी में हुआ है और काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय, आज बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्होंने जो नई नई सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस कड़ी के सशक्तिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय प्रयास है। इस अवसर पर आपका काशी में आगमन और इन सभी बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर की महिलाओं को एक